अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब, तमाम बहनें, तमाम भाई, तमाम बेटियां, अल्लाह पाक आप लोगों को तंदुरुस्ती दे, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियां लाए और आप लोगों के लिए ज़िंदगी के तमाम मामलात आसान फरमा दे। आज हम बात करते हैं अंदराइन का मुरब्बा, जिसे तुम्मा भी कहते हैं, तुम्मे का मुरब्बा। ये मुरब्बा पंसारी की दुकान से भी अवेलेबल होता है और ये स्पेशल जो ट्रेंड लोग हैं वो इसका मुरब्बा बना सकते हैं, आम आदमी इसका मुरब्बा नहीं बना सकता। क्योंकि तुम्मा बेसिकली बेल के हिसाब से देखें तो तरबूज से मिलता है और इसके कच्चे फ्रूट को देखें तो वो भी तरबूज से मिलता है, लेकिन जब ये पकता है तो ये खरबूजे की तरह पीले रंग का हो जाता है, ये साइज़ में छोटा होता है। लेकिन ये इंतहाई जहरीला होता है, इंतहाई कड़वा होता है। तो इसके डायरेक्ट जो है ना इस्तेमाल, इसका खालिस इस्तेमाल कहीं भी नहीं होता। ये मुख्तलिफ अद्वियात के साथ मिलकर इंसान के लिए मुख्तलिफ जो है ना अद्वियात में इस्तेमाल होता है, इंसान के लिए फ़ायदे का सबब बनता है। जैसे दमे के प्रॉब्लम के लिए इसका मुख्तलिफ अद्वियात के साथ मिला कम्बिनेशन बनाया जाता है। इसी तरह जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए ये मुख्तलिफ अद्वियात में इसको शामिल किया जाता है। इसी तरह कंसिपेशन के लिए इसको मुख्तलिफ अद्वियात में शामिल किया जाता है, सो दैट इसी तरह। लेकिन आज हम बात करते हैं तम्मे का मुरब्बा। तम्मे का मुरब्बा मैदे की इसलाह के लिए बहुत लाजवाब है। ऐसे लोग जिनको खाना हजम नहीं होता या खाना खाते हैं लेकिन वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, जिस्म को ताकत नहीं देता, तम्मा उनके लिए तम्मे का मुरब्बा बहुत बेहतरीन है। तम्मे का मुरब्बा लें और रोज़ाना खाना खाने के 1.5 घंटे बाद एक टुकड़ा जो है ना रोज़ाना खा लिया करें, तो ये आपको खाने को भी सही हजम करेगा, कब्ज़ भी नहीं होने देगा और पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी और कमज़ोर से कमज़ोर मैदा भी दुरुस्त हो जाएगा। ये मैदे के अल्सर के लिए, आंतों के प्रॉब्लम के लिए बहुत लाजवाब किस्म की चीज़ है। इसी तरह ये जिगर को ताकत देता है। तम्मे का मुरब्बा जिगर के कमज़ोर लोग जो है उनके लिए बहुत मुफीद है। आंतों की इसलाह करता है, मैदे के अल्सर और मैदे की इसलाह करता है और मैदे के हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है और कंस्टिपेशन के मरीज के लिए इंतहाई लाजवाब है। ये पहले बता रहा हूँ कि ये मुरब्बा जो है आम आदमी तैयार नहीं कर सकता, या तो आप पंसारी वाला लेंगे या फिर किसी जो इलाके में जहाँ तम्मा ज़्यादा होता है, जिस तरह हमारे इलाके में चबारे के इलाके में तम्मा ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग इसका मुरब्बा बनाते हैं, वो इसका मुरब्बा बनाने के एक्सपर्ट होते हैं। आम आदमी इसका तम्मे का मुरब्बा नहीं बना सकता, लेकिन यह तम्मा आम इलाकों में पाया जाता है। ये आमतौर पर जानवरों के मिसाला जात में इस्तेमाल होता है, वो भी कम्बिनेशन में खालस ये बहुत जहरीला होता है। मुझे उम्मीद है कि तम्मे का मुरब्बा इस्तेमाल करेंगे आप लोग और अल्लाह की इस नेमत का, जिसको आप बज़ाहिर बेकार समझते हैं, इसके फ़वाइद से फैज़ याब होंगे। क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें मैदे की इसलाह, आंतों की इसलाह और कैंसर के बचाव के लिए इसमें ख़ास किस्म के टॉनिक रखे हैं इसके मुरब्बे में, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक्स।